हेलो दोस्तों, स्वागत है सभी का हमारे चैनल टेक अनुराग में। तो फ्रेंड्स, आज का हमारा वीडियो टॉपिक जो है वो अनलॉक टूर के ऊपर है। तो आज का हम लोग वीडियो बात करेंगे अनलॉक टूर किस तरह डाउनलोड करें, रजिस्टर करें या एक्टिवेट करें। दोस्तों, इस वीडियो में आपको एक एक इस वीडियो का आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा, जिसमें स्टेप बाय स्टेप आपको अनलॉक टूर को यूज़ करना सिखाया जाएगा, ताकि आप अनलॉक टूर को प्रॉपर वे में यूज़ करें और उसका पूरा बेनिफिट उठा पाएं। तो किस तरह सभी टैप को यूज़ करना है, क्वालकॉम और एमटी के जो अनलॉक टूल में है उसको किस तरह यूज़ कर सकते हैं और किसी भी मोबाइल को अनलॉक कर सकते हैं, चाहे वो मोबाइल आपके अनलॉक टूल में सपोर्ट करता हो या नहीं करता हो, उसके बारे में हम लोग स्टेप बाय स्टेप वीडियो बनाते रहेंगे और आप चैनल से जुड़े रहे, आपको वीडियो वो मिलता रहेगा। तो फ्रेंड्स, और भी आपको बताना चाहूँगा बात, अगर आपको कोई भी डोंगल्स या एक्टिवेशन लेना हो तो हमसे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सअप नंबर मिल जाएगा, वहाँ पर आप हमसे जुड़कर सभी टूल्स एंड डोंगल्स एंड एक्टिवेशन के बेस्ट प्राइस आप जान सकते हैं। और कोई भी अनलॉकिंग, फ्लैशिंग, ऑथेंटिकेशन वाले जितने भी अनलॉकिंग होते हैं, रिमोट सर्विस टीम वर्क के थ्रू आपको सभी बेस्ट प्राइस में प्रोवाइड किए जाएंगे। तो आप जुड़ सकते हैं और अपने काम को इजी वे में कर सकते हैं। तो फ्रेंड, चलते हैं वीडियो की तरफ और किस तरह हमें अनलॉक टूल को डाउनलोड करना है, कहाँ डाउनलोड करना है उसके बारे में बात करते हैं। तो दोस्तों, जैसे कि मैंने देख सकते, पहले मैं अपना पीसी को कनेक्ट कर लूँ वाईफाई से। तो हमारा जो पीसी वाईफाई से कनेक्ट हो गया, आपको अनलॉक टूल से को डाउनलोड कहाँ से करना है, तो सिंपली फ्रेंड्स, यहाँ से आप गूगल पर जाएंगे। गूगल पर जाने के बाद सिंपली आप सर्च करेंगे अनलॉक टूल। अनलॉक टूल सर्च करते ही आपको जो पहला वेबसाइट मिलेगा अनलॉक टूल डॉट नेट, इस पर आप क्लिक करना है। क्लिक करते ही फ्रेंड्स, आपको यहाँ पर जो है यह दो लिंक मिलता है, गूगल ड्राइव का और एक मेगा का लिंक। ये दोनों लिंक से आप जो है डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे कि मैं जैसे गूगल ड्राइव के लिंक पे क्लिक करता हूँ तो हमारा जो है मेगा का लिंक क्लिक करता हूँ तो मेगा का देख सकते हैं, यहाँ डाउनलोडिंग जो है लिंक ओपन हो चुका है और यहाँ से हम लोग फाइल डाउनलोड कर सकते हैं। ऑलरेडी मैंने फाइल डाउनलोड किया तो मैं फाइल डाउनलोड नहीं करूँगा। और यहाँ पे आपको गूगल ड्राइव का लिंक है, यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। और एक और बात है फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको लिखा हुआ है डाउनलोड ड्राइवर फॉर ब्रांड। यहाँ पे आपको सारे मोबाइल्स के जो ड्राइवर है वो मिल जाएंगे। अगर आपको दिक्कत हो रहा है ड्राइवर इंस्टॉलेशन में तो हमारे वीडियो का प्लेलिस्ट को चेक कीजिए, वहाँ पे आपको ड्राइवर से जुड़े सारे प्रॉब्लम का सोल्यूशन किया गया है। और दोस्तों, यहाँ पे आपको जो है सारे मोबाइल्स के ड्राइवर दिए हुए हैं, जितने ड्राइवर है सारे यहाँ पे दिए हैं, आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने के बाद आप सारे पीसी में एक बार इंस्टॉल कर सकते हैं, तो आपको हर जगह वेबसाइट में खोजना नहीं पड़ेगा, आप इसी वेबसाइट पर आके डाउनलोड कर सकते हैं। तो फ्रेंड, चलते हैं अपने वीडियो तरफ। तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे आपको दिया हुआ है, ये आईफोन के लिए दिया हुआ है और यहाँ पे आपको ट्यूटोरियल वीडियो दिए रहते हैं किस तरह अनलॉक टूल को के जो अनलॉकिंग जो है लेटेस्ट अपडेट का अनलॉकिंग जो होते हैं वो दिए रहते हैं यहाँ पे। और यहाँ पे आपको सारे जो है अपडेट, जितने भी अपडेट है वो फर्स्ट इसी में ही दिया, फर्स्ट पेज में ही दिया रहता है। देख सकते हैं कि आप कौन सा वर्जन अनलॉक टूल का, ये कब अपडेट आया, सारे डिटेल्स यहाँ दिया रहता है। अगर आपको अनलॉक टूल को इंस्टॉल करने के बाद कुछ एरर आए या फिर अनलॉक टूल ओपन ना हो, तो आपको रजिस्ट्री फाइल का रेज एडिटर यानी रजिस्ट्री एडिटर को ओपन करके इस लोकेशन पे जाके दोस्तों आपको जो है इस तरह के फाइल को डिलीट करना है, जिससे आपका अनलॉक टूल प्रॉपर वे में ओपन हो पाए। देख सकते हैं, ये आपको लोकेशन दे दिया गया है कहाँ से जाके आपको है अनलॉक टूल का प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। तो यहाँ पे दोस्तों आपको अनलॉक टूल की वेबसाइट पर यहाँ डाउनलोड का ऑप्शन मिल जाता है, जो कि दोस्तों जो इसका एक्टिवेशन ले चुके हैं उन्हीं लोगों के लिए है। यहाँ पे आपको मॉडल सपोर्ट मिल जाता है, जैसे कि आप मॉडल वाइज अगर आपको अनलॉक टूल ओपन नहीं करना है तो यहाँ पे जाके सिंपली जाके आप मॉडल ब्रांड वाइज सिलेक्ट करके मॉडल देख सकते हैं, या फिर इस पर आप जो है मॉडल कुछ भी लिख के आप सर्च कर सकते हैं। जैसे मैं देखता हूँ रेडमी नोट 6, नोट 5, जैसे मैं सर्च करता हूँ नोट 5 का नहीं आया, क्योंकि कुछ स्पेलिंग गलती होगा, क्योंकि सोमी 6 लिखा होगा उसमें, इसलिए नोट 5 नहीं आया इसमें। ओके, मैं इस पर जाता हूँ, देखिए ये सोमी दिया हुआ है, मैंने पूरा नाम नहीं लिखा इसलिए नहीं आया Redmi Note 5। तो फिर से एक बार मैं Xiaomi देखिए, Xiaomi सर्च करके Redmi Note 5 लिखूँ तो आ जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कौन कौन सा मोबाइल जो इसमें सपोर्टेड है, और यहाँ पे देख सकते हैं सारे मॉडल्स दिए हुए हैं, इसमें कौन कौन से फंक्शन जो वर्क करते हैं वो सारे यहाँ पे
दिए हुए हैं, सारे मॉडल्स को चेक कर सकते हैं। यहाँ से आप फ्रीमर डाउनलोड कर सकते हैं। मैं इसको बोलता नहीं, प्रेफर नहीं करता फ्रीमर डाउनलोड करने के लिए, बट जो बूट लोडर फाइल होते हैं वो यहाँ पे अवेलेबल होते हैं, उसको आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ से आप डाउनलोड कर लिए, यहाँ सिंपली जाकर यहाँ पर रजिस्टर कर सकते हैं। रजिस्टर करने के देख सकते हैं किस तरह रजिस्टर करना है आपको। रजिस्टर करने के लिए सिंपली अपना एक यूज़र नाम बनाना है, अपना ईमेल आईडी डालना है, अपना पासवर्ड डालना है, और यहाँ पासवर्ड कंफर्म करके कैप्चर पर क्लिक करके और क्रिएट यूज़र नेम करना है। अगर आपको यहाँ से नहीं करना है सिंपली इसको हम मिनिमाइज करते हैं। हमारा जो हम लोग यहाँ पर डाउनलोड करके हमने पहले से ही रखा हुआ था, इसको हम लोग ओपन करते हैं। दोस्तों अनलॉक टूल को यूज करने से पहले एक बार एंटीवायरस ऑफ कर ले, अदरवाइज अनलॉक टूल जो है आपका ओपन नहीं होगा। तो मैं यहाँ पर एंटीवायरस को पहले ऑफ कर लेता हूँ, क्योंकि इनेबल होने के कारण जो है बहुत सारे जो टूल्स जो है वो रन नहीं कर पाते। तो हमेशा कोई भी सॉफ्टवेयर से रिलेटेड अगर टूल आप यूज करते हैं तो अपना एंटीवायरस जरूर ऑफ करें, ताकि एक बार टूल ओपन हो पाए। तो मैंने यहाँ पे एंटीवायरस ऑफ कर लिया। यहाँ पे बोल रहा है चेकिंग फॉर अपडेट, सारा अपडेट चेकिंग किया, हमारा लेटेस्ट वर्जन पे टूल रन कर रहा है। देख सकते हैं 13 तारीख को अपडेट आया हुआ था। और यहाँ पर किस तरह रजिस्टर करना है, रजिस्टर करने के लिए सिंपली आपको रजिस्टर पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर रजिस्टर पर क्लिक करते देख सकते हैं आपको वेबसाइट पे रिडायरेक्ट कर दिया। जो वेबसाइट पे जो मैंने बताया था आपको रजिस्टर करने का तरीका, वहीं पे जाकर रजिस्टर करना है। देख सकते हमारा जो रजिस्टर का फॉर्म खुल चुका है। तो यहाँ सिंपली आप कोई भी अपने मन से एक नाम रख सकते हैं, यूजर नेम। यहाँ पे अपना ईमेल आईडी डालिए, जो वही ईमेल आईडी डालिए जो कि फ्रेंड्स आपका परमानेंट हो, अदरवाइज आपको रिकवरी करने में पासवर्ड दिक्कत आ सकती है। जेन्युइन ईमेल आईडी डालिए, यहाँ पे अपना पासवर्ड डालिए, यहाँ पर पासवर्ड डालिए और यहाँ पर कैप्चर फिल करके क्रिएट अकाउंट पर क्लिक कीजिए। क्रिएट अकाउंट पर क्लिक करने के बाद क्या करना है आपको, सिंपली अपना आपका यूज़र नेम ईमेल आईडी, यूज़र नेम एंड ईमेल आईडी हमें व्हाट्सअप करना है, हम उसे एक्टिवेट कर देंगे तो आपका जो है एक्टिवेशन हो जाएगा। तो जैसे देख सकते हैं एक्टिवेशन का मैंने बता दिया। यहाँ सिंपली आपको VPN का ऑप्शन मिल जाता है, जब अनलॉक टूल वर्क नहीं करता VPN यूज़ करना पड़ता है हमें बहुत बार। यहाँ रीसेट पासवर्ड का ऑप्शन मिल जाता है, अगर आप बाय द वे पासवर्ड भूल जाते हैं तो आप रीसेट कर सकते हैं। यहाँ पे आपको फॉरम का मिल जाता है, फॉरम यानी जो भी अपडेट उसमें आए होंगे उसमें आपको रिडायरेक्ट कर देगा, वहाँ पर आप जाके देख सकते हैं, वहाँ पर अपना क्वेश्चन को आप रेज कर सकते हैं। तो चलिए हम देख सकते हैं, मैंने यहाँ पर ईमेल आईडी डाल दिया, फर्स्ट में ईमेल आईडी डालना है। यहाँ पर मैंने पासवर्ड डाल दिया, पासवर्ड डालने के बाद सिंपली मैं यहाँ पर लॉगिन करता हूँ। तो फ्रेंड्स हमारा जो है ये देख सकते हैं अनलॉक टूल जो है ओपन हो चुका है। तो इसमें क्या मिलता है आपको, सिंपली सारे टैब्स मिलते हैं। टैब्स में जो फंक्शन है, जैसे MI का टैब में हम लोग अभी है, तो इसमें MI का टैब है हमारा। यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं MI फ्लैश सिक्योरिटी में दिया है, यहाँ पे आप फ्लैशिंग कर सकते हैं, यहाँ सिक्योरिटी में जाके आप अनलॉकिंग कर सकते हैं। इसी तरह सभी मोबाइल के हैं। सबसे मेन जरूरी इसमें बात है दोस्तों क्वालकॉम का टैब को समझना और MediaTek का टैब को समझना, क्योंकि इसमें बहुत सारे जो मॉडल है वो अवेलेबल नहीं है। या फिर अगर आप MI के टैब में ही जाते हैं, यहाँ पे कुछ अगर मॉडल जैसे Note 9 Pro Max, Pro देखिए Pro नहीं है, Pro अवेलेबल नहीं है, बट आप लोगों को मैं बता चाहूँगा Pro जो है अनलॉकिंग हम लोग कर सकते हैं MI का फ्लैश टूल से। तो आप वीडियो में बने रहेंगे तो पता चलेगा ये ऑथेंटिकेशन वाला अनलॉकिंग है, बट हम लोग फ्री में अनलॉक टूल से इसको अनलॉकिंग कर सकते हैं। तो सारे टैब में इसी तरह है, मॉडल्स अवेलेबल है। तो सारे टैब को यूज़ करने का तरीका मैं एक बाई एक वीडियो बनाता रहूँगा, चैप्टर वाइज बनाता रहूँगा। और आपका कोई क्वेश्चन है तो कमेंट कर सकते हैं, उसके ऊपर मैं वीडियो बना दूंगा। और चैप्टर में क्या समझ नहीं आया वो भी आप जरूर बोलिएगा। तो हमारा ये है MI का टैब, देख सकते हैं यहाँ पे हमारा इस तरह का कुछ इंटरफेस है। अब बात करें अनलॉक टूल में, तो देख सकते हैं इसमें कितने मॉडल सपोर्टेड है। जैसे MI में अनलॉकिंग के लिए हमारा 119 मॉडल सपोर्टेड है, यानी 119 मॉडल्स में सपोर्ट करते हैं। अगर हम लोग ओप्पो के टैब में जाए, तो ओप्पो के टैब में जाने के बाद देख सकते हैं यहाँ रिट्राइविंग देखते हैं, यहाँ 227 यानी 227 मॉडल जो है इसमें सपोर्ट करते हैं। ये बात हो गया मॉडल सपोर्ट का, यहाँ से मॉडल देख सकते हैं कितने मॉडल सपोर्ट करते हैं। जो भी न्यू अपडेट है वेबसाइट भी देख सकते हैं, इसके सामने भी अब शो होता है आपका। उसके बाद में यहाँ पर अपडेट आपको शो कर दिया जाता है।
यहाँ पे आपको एडीबी फंक्शन है, एडीबी में जो भी आपको रीड इनफो कुछ भी करना हो, अगर आपका यूएसबी डिबगिंग ऑन है या फिर आपका एडीबी इनेबल है तो आप यहाँ से एडीबी के थ्रू कुछ भी काम कर सकते हैं। फास्ट बूट में आप किसी भी मोबाइल का जो है जितने भी लेटेस्ट मोबाइल है उसका आप रीड इनफो कर सकते हैं, और जितने भी ओल्ड मोबाइल है उसको यहीं से आप डायरेक्ट अनलॉकिंग कुछ भी अनलॉकिंग एफ आर पी जो भी आप कर सकते हैं। टेस्ट पॉइंट में आपको सभी मोबाइल के जो है टेस्ट पॉइंट आपको दिए यहाँ पे शो किए होंगे। अगर यहाँ पे आप टेस्ट पॉइंट सारे तो पॉसिबल नहीं है, अगर कुछ यहाँ मिसिंग होता है टेस्ट पॉइंट तो आप गूगल से सर्च कर सकते हैं, बट यहाँ पे ज़्यादातर टेस्ट पॉइंट जितने सब मॉडल्स अवेलेबल है सारे के टेस्ट पॉइंट यहाँ पे अवेलेबल है, यहाँ से आप टेस्ट पॉइंट देख सकते हैं। बात करें इसको तो इससे आपका डिवाइस मैनेजर जो है ओपन हो जाता है, देख सकते हैं हमारा डिवाइस मैनेजर ओपन हो गया। कन्फिगर की बात करें, यहाँ कन्फिगर का टैब है, कन्फिगर टैब में आपको डिसेबल ड्राइवर सिग्नेचर, डिसेबल विंडो डिफेंडर, इनेबल एंड डिसेबल विंडो डिफेंडर। तो फ्रेंड्स देखिए कन्फिगर का टैब में आपको यहाँ पर डिसेबल ड्राइवर सिग्नेचर, ओपन रजिस्टर एडिट सॉरी इनेबल ओपन टास्क मैनेजर, यहाँ पर डाउनलोड अनलॉक टूल, ड्राइवर है जो ड्राइवर का बल्क जो ड्राइवर मिलता है क्वालकॉम मीडियाटेक एंड जितने भी उसमें C++ जो भी ड्राइवर होता है उसको इंस्टॉल करता है, लीवर ड्राइवर इंस्टॉल करता है, MTP में जितने भी इसमें काम होता है कन्फिगर में MTP का ड्राइवर इंस्टॉल करता है, और जितने भी USB शेयरिंग सॉफ्टवेयर उसको भी यहाँ से क्लीन किया जा सकता है। यहाँ पे आपका ये हो गया, आपके यहाँ पे देख सकते नीचे YouTube का लिंक दिया रहता है, यहाँ पर डेस्कटॉप का नाम है, डेस्कटॉप का हार्डवेयर आईडी दिया रहता है, और यहाँ पे आपका कितने दिन जो ड्यू है बाकी है टूल के एक्सपायर होने में, देख सकते हैं यहाँ पर 207 दिन दिखा रहा है मेरे टूल्स में, यानी अब मेरे अब जी 207 दिन ही बाकी है टूल्स के जो है एक्सपायर होने में। यहाँ पर करंट टाइम एंड लोड चलता है, यहाँ पर फ्रेंड्स आपको जो है डे दिखाता है कितना डे आपका टूल जो है एक्सपायर होने में बाकी है, मेरे केस में 207 या 207 दिन दिखा रहा है, इस दिन में हमारा टूल जो है एक्सपायर हो जाएगा इतने दिनों में। तो अनलॉक टूल बस इतना ही है, इसके बाद आपको सारे टैब को बारीकी समझने की बात है इसमें, क्योंकि इसमें जो टैब का अनलॉक टूल का बहुत ही ज़्यादा यूज़ हम लोग कर सकते हैं अगर इसके बारे में सारा कुछ हमें डिटेल से पता हो। तो फ्रेंड्स अगर आपको इसके ऊपर मैं नेक्स्ट वीडियो बना दूंगा, अब कौन सा टैब बनाऊँ ये जरूर कमेंट कीजिएगा, क्वालकॉम का बनाऊँ या MTK या फिर एक एक बार सभी टैब के ऊपर बनाऊँ, तो मैं यहाँ पर वीडियो बनाने नेक्स्ट वीडियो आपको जरूर कोई ना कोई टैब पर मिल जाएगा, किस टैब पर वर्क करना है उस पर आप कमेंट कर दें, और वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दें, अगर वीडियो से जुड़े कोई सवाल हो तो उसके लिए जरूर कमेंट करें, मैं कमेंट कर रिप्लाई जरूर करूंगा, और वीडियो को शेयर भी करें ताकि और भी लोग अनलॉक टूल के बारे में जान पाए, और इसको परचेस करना है क्या है या नहीं उसके बारे में वो थोड़ा सा अंदाज़ा लगा पाए, उसके बारे में थोड़ा समझ पाए। तो आज के वीडियो में इतना ही, तो फिर चैनल को लाइक कर दे, वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे, अब बेल आइकन जरूर क्लिक करें ताकि आप हमसे जुड़ पाए, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, जय हिंद जय भारत वंदे मातरम।